हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं श्री मोबाइल लातो चैनल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, रेडमी का नोट 9 मोबाइल है जिसमें ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम है। जैसे ही चार्जर लगाएंगे रेडमी नाम आके ये ओवर हीटिंग होता है। देख सकते हैं इसके जो मेन पावर आई सी है, इसको हमने रोजन लगा के चेक किया तो ये पावर आई सी फुल हीट हो रही है। तो फिर से आपको ओरोजन फ्लेक्स लगा के इसको चेक करा देते हैं। देख सकते हैं जैसे ही इसको चार्जर प्लग करेंगे ये इसकी पावर आईसी जो है ओवर हीट होती है और चार्जिंग सेव भी नहीं होती। तो पहले तो हम इसकी जो पावर आईसी चेंज करेंगे। देख सकते हैं हमने इसको निकाल दिया है। तो इसकी जो सेम पावर है मेरे पास, देख सकते हैं ये मोबाइल वाटर डैमेज था इसलिए पावर ऐसी हीटिंग हो रही है। पहले तो हम चेंज करके चेक करेंगे। तो देख सकते हैं मैंने पावर आईसी बिठाने का वीडियो इसमें शूट नहीं किया, तो इसकी पावर आईसी चेंज कर लिया है। फिर से इसे हम रोजन फ्लेक्स लगा के चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है या नहीं। तो फिर से इसे हम रोजन ला करके जब चेक किया, देख सकते हैं फिर से हीटिंग होने लगा है। आईसी चेंज करने के बाद भी ये हीटिंग हो चुका है। तो हम इसकी जो बैक साइड में चार्जिंग आईसी है उसे हम रोजन अप्लाई करके चेक करेंगे कि चार्जिंग आईसी भी हीटिंग हो रही है या नहीं। तो देख सकते हैं चार्जिंग आईसी को मैंने जैसे ही रोजन लगाया तो ये हीटिंग नहीं हो रही है। तो पावर आईसी इसकी हीटिंग हो रही है। तो फिर से एक बार हम ट्राई करेंगे कि इसका जो चार्जिंग आईसी है इसे हम चेंज करके एक बार ट्राई करेंगे। तो देख सकते हैं इसकी जो चार्जिंग आईसी मैंने निकाल लिया है, तो इसे दूसरी हम चार्जिंग आईसी रिप्लेस करेंगे। देख सकते हैं इसकी दूसरी चार्जिंग आईसी मेरे पास। चार्जिंग आईसी की कुछ लाइंस शॉर्ट होने की वजह से पावर आईसी हमारी हीट हो रही है। तो जैसे हम इसकी चार्जिंग आईसी रिप्लेस करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देख सकते हैं